2017 तक जहां अमेरिका यूएपीज के अस्तित्व को नकारता रहा, वहीं दुनिया के कई दूसरे देश इस मामले में काफी अलग ख्याल रखते थे। और उन देशों में सबसे खास देश था दक्षिण अमेरिकी देश चिले। 1997 में चिले की सरकार ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मिलिट्री दोनों को एक कमेटी बनाकर परग्रही घटनाओं की जांच करने के आदेश दे दिए। ये कमेटी यूएपी एक्टिविटी से रिलेटेड हर रिपोर्ट को पढ़ती थी जो कमर्शियल, सिविलियन और मिलिट्री पायलट्स बनाते थे। 2014 में एक बहुत ही शॉकिंग वाकया हुआ जब सैंटियागो शहर के समंदर के किनारे निगरानी कर रहे पायलट्स ने एक उड़े हुए यूएपी का वीडियो बना लिया। 2014 में ये अजीब घटना हुई थी जब मिलिट्री पायलट्स ने एक उड़ती हुई चीज का वीडियो बनाया था। शुरू में वो एक नॉर्मल रॉकेट की तरह लग रहा था, मगर लेकिन जब वो उससे 4500 फुट दूर थे, वो कोई और चीज निकली। उनके पास इस चीज का 9 मिनट का वीडियो है। चिली मिलिट्री ने फिर इसकी 2 सालों तक जांच की, मगर वो पता नहीं लगा। चिली भी दूसरे साउथ अमेरिकी देशों की तरह इस बात से इत्तेफाक रखता है कि हमारे आसमान और जमीन पर हमारे अलावा भी कोई आता जाता है। मेरे हिसाब से दक्षिण अमेरिकी देशों का परग्रही घटनाओं के प्रति रुझान इस वजह से है क्योंकि ये सब उनकी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है। पेरू और बोलीविया जैसे देश तो एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरी में सबसे फेमस जगह हैं। प्री इंका और इंका दोनों कल्चर्स में ये साफ कहा गया है कि परिग्रही आसमान से आती हुई एक तेज रोशनी के साथ नीचे आते हैं, जिस वजह से ये सारे देश और लोग इन गहरे ज्ञान के साथ पले बड़े होते हैं कि ऊपर कोई रहता है। ब्राजील में कई यूएफओ एनकाउंटर्स का इतिहास रहा है। चिली और उरुग्वे में भी मेरे ख्याल से ऐसा ही है, लेकिन दुनिया इन देशों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दक्षिण अमेरिकी देशों के अलावा अब दुनिया के बाकी देश भी यूएफओ घटनाओं को लेकर ओपन हो रहे हैं। सरकारें अब खुलकर आम लोगों और मिलिट्री पर्सनल्स के द्वारा देखी और रिपोर्ट करवाई गई यूएफओ एनकाउंटर्स की जांच कर रही हैं। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि इन सभी में से वो एक देश जिसका इस मिशन को ज्वाइन करना खुशी से ज्यादा हैरानी से भरा था, वो था जापान। क्योंकि 2018 में जापानी सरकार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके यूएफओस जैसी चीजों के होने को सिरे से खारिज कर दिया था। जापान में हमेशा से ही वहाँ के डिफेंस और मुख्य डिपार्टमेंट्स के लोगों ने यूएफओस के होने की बात को अस्वीकार किया है। वो हमेशा इसे कपड़ों की धूल की तरह झाड़ते दिखते थे। जापानी सरकार ने अचानक एक प्रेस रिलीज निकाली और कहा कि वो किसी भी तरह के यूएफओ एनकाउंटर्स या एक्स्ट्राटेरिस्टल जैसी चीजों को पृथ्वी या जापानी एयर स्पेस में होने को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये मेरे लिए काफी शॉकिंग था क्योंकि हमने 2 ऐसे पायलट्स का पहले ही इंटरव्यू कर रखा था जिन्होंने सालों आर्मी में जहाज उड़ाए थे और उन्होंने हमें जमीन और आसमान दोनों में हुए तमाम अजीब गरीब घटनाओं के बारे में खुलकर बताया था। मोमोरू साटो जापानी वायुसेना में पूर्व विंग कमांडर थे और उन्होंने बताया कि वो अक्सर अपने साथी पायलट्स और दूसरे लोगों से यूएफओ देखे जाने की बातें सुनते थे। लोग मुझसे कहते थे कि आज उन्होंने ऊपर कुछ अजीब देखा और उसकी संभावनाएं हैं क्योंकि वो ऊंचाई पर तेजी से उड़ रहे होते हैं। मेरा ख्याल था कि हमें इन सब चीजों पर सही डेटा वाला एक रिपोर्ट बनानी चाहिए, लेकिन ये सब सिर्फ आपस की बात बनी रही। इसे कभी बाहर नहीं आने दिया गया। साटो की माने तो काफी सारे पायलट्स ने आसमान में सिगार के जैसी दिखने वाली कोई चीज उड़ती हुई देखी थी और इस चक्कर में एक बार तो एक स्टूडेंट ने प्लेन के ऊपर से अपना कंट्रोल भी खो दिया था। उसने कहा कि एयरक्राफ्ट के अंदर चीजें अजीब सी हो गई थी, जोर जोर से अलार्म बज रहे थे जैसे कोई बड़ी गड़बड़ हो गई हो। मैंने 1500 मीटर ऊंचाई पर उड़ता एक सिगार शेप्ड ऑब्जेक्ट देखा जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था और फिर वो अगले ही पल गायब हो गया। सालों तक
जापानी आर्मी के पायलट्स को ऐसी घटनाओं पर चुप रहने को कहा गया। लेकिन सितंबर 2020 में जापान ने अपनी डिनाई पॉलिसीज का अंत किया और डिफेंस मिनिस्टर तारो कोनो ने आर्मी को टास्क दिया कि वो किसी भी तरह के अजीब दिख रहे विमान की वीडियो रिकॉर्डिंग करे। कई लोग कहते हैं कि पॉलिसीज में अचानक आया ये परिवर्तन एक महीने पहले तारो कोनो की यूएस डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर से हुई मुलाकात का नतीजा था। इस मीटिंग के बाद जापानियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड एरियल घटनाएं ऐसा टॉपिक था जिस पर मीटिंग में काफी बातें हुई और हमें लगा कि इस पर हमें भी अपना सहयोग देना चाहिए। ये काफी अच्छी बात है जब दुनिया की दो बड़ी शक्तियां अमेरिका और जापान इस तरह की चीजों पर बात कर रहे हैं और साथ आ रहे हैं। इससे इस मिशन की रफ्तार और बढ़ेगी। जैसे पहले जापान यूएफओ एक्टिविटी की बातों को टाल देता था और अब वो खुद उन्हें स्वीकृत करता है। मुझे जापानी सेना के एक स्क्वाड्रन ने कहा था कि जापान के हिस्से वाले आसमान में कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। तमाम वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स का मानना है कि दुनिया भर की सरकारें अब इस बात को मानती हैं कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो इस दुनिया के नहीं होते हैं। अगस्त 1946, फेमस यूएस नेवल ऑफिसर एडमिरल रिचर्ड बर्ड, जो नॉर्थ और साउथ पोल्स के ऊपर उड़ान भरने वाले सबसे पहले पायलट्स में से एक थे, उन्होंने ऑपरेशन हाई जंप लॉन्च किया। यह अंटार्कटिका तक किया जाने वाला तब तक का सबसे बड़ा एक्सपेडिशन था, जिसमें 13 शिप्स, 23 एयरक्राफ्ट्स और 4,700 से ज्यादा सैनिक होने वाले थे। वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद एडमिरल बर्ड से कहा गया कि वो 4 महीने का एक एडवांस एक्सपेडिशन ट्रिप प्लान करें। वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए जाने वाले थे और उन्हें अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है इसकी लंबी लिस्ट दी गई थी। लेकिन फरवरी खत्म होते ही कुछ अजीब सी चीजें हो गईं। इस ट्रिप के सबसे अहम गोल्स में से एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए अंटार्कटिका में सही जगहें खोजना था, लेकिन अपने इस एक्सपेडिशन के दौरान एडमिरल बर्ड के सामने ऐसी चीजें आईं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ये कहानियां उनकी डायरी से सामने आई, ना कि उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट से। हो सकता है उन्हें गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने दबाया, जिसकी वजह से वो सालों से इन चीजों के बारे में चुप बैठे रहे। उनकी मौत के बाद उनके बेटे को उनकी जो डायरी मिली उसमें उन्होंने काफी आश्चर्यजनक बातें लिखी थी। एडमिरल बर्ड ने ये सुना था कि साउथ पोल के बीच में कहीं पृथ्वी में दाखिल होने और बाहर जाने का एक बड़ा दरवाजा है। वो अपने प्लेन्स को साउथ पोल ले गए और उन्हें ये आभास हुआ कि जब वो पोल्स के ऊपर प्लेन उड़ा रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखी जो वहां होनी नहीं चाहिए थी। उनका एक स्क्वाड्रन पृथ्वी में बनी एक गुफा के अंदर प्लेन ले गया। वो अंदर से इतनी सक्रिय और हरी जगह थी कि उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये तो उनकी अद्भुत कहानी की बस शुरुआत ही थी। उसने बताया कि कैसे उसने अपने आगे एक चमचमाती हुई रेनबो सिटी देखी जो क्रिस्टल से बनी हुई थी। उनके प्लेन का कंट्रोल लगभग हाथों से छूट जाता है जब वो अचानक अपने आसपास तेजी से उड़ती हुई उड़न तश्तरियाँ देखते हैं और इसी वजह से वो जल्दी ज़मीन पर लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वो एक गुफानुमा जगह पर होते हैं जिसे उन्होंने अपनी डायरी में द मास्टर नाम दिया है। मास्टर उनसे कहते हैं कि वो इंसानों के कामों से काफ़ी निराश हैं। न्यूक्लियर वेपन जैसी चीज़ें और हिरोशिमा नागासाकी में उससे हुई तबाही उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है कि ज़मीन पर इंसान क्या कर रहे हैं। उन्होंने एडमिरल बर्ड से कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इंसान इस तरह की तबाही रोक देंगे। एडमिरल बर्ड की डायरी से पता चली ये बातें काफी सारे रिसर्चर्स के लिए काफी अहम है, क्योंकि मॉडर्न यूएफओ एरा की शुरुआत वर्ल्ड वॉर टू और पहले एटॉमिक बॉम्ब के विध्वंस के बाद ही हुई थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है
कि काफी सारे यूएफओ देखे जाने की घटनाओं में यूएफओ की आकृति न्यूक्लियर मिसाइल साइलोस की तरह ही बताई गई थी। एडमिरल बायरेट की कहानी एंजेलिक और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से मिलती जुलती है। उसमें वो इस बारे में चिंतित होते हैं कि आखिर इंसान न्यूक्लियर हथियारों के साथ क्या कर रहे हैं। आप यूएस के किसी भी एयरफोर्स ऑफिसर से पूछ लीजिए कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स और हथियारों को बिना किसी ठोस कारण के खराब होते देखा है और उनके पीछे उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का हाथ लगता है, क्योंकि परग्रहियों को लगता है कि इन हथियारों से इंसान इस दुनिया को खत्म कर देंगे जो अब उनका भी घर है। अगर एडमिरल बर्ड की डायरी सच्ची है तो क्या वो इस बात का खुलासा नहीं कर रही है कि हमारी जमीन के नीचे काफी एडवांस सभ्यता के लोग रहते हैं जो हमारे धरातल पर चल रही हर चीज पर नजर रखते हैं। उनकी डायरी के अनुसार उन लोगों से मुलाकात के बाद एडमिरल बर्ड अपनी कहानी दुनिया के सामने लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें चुप रहने का आदेश दे दिया गया था। एडमिरल बायरेट को सरकारी दफ्तर में बुलाकर साफ कह दिया गया था कि वो कभी भी पब्लिकली इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे और हर बात को गुप्त ही रखेंगे। एडमिरल बायरेट को सरकारी दफ्तर में बुलाकर साफ कह दिया गया था कि वो कभी भी पब्लिकली इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे और हर बात को गुप्त ही रखेंगे। क्या एडमिरल बर्ड की कहानी प्राचीन पाताल लोक निवासियों और मॉडर्न यूएफओ घटनाओं के बीच किसी तरह का संबंध स्थापित करती है? कई वैज्ञानिक इस बात पर हामी भरते हैं और मानते हैं कि वो समय दूर नहीं है जब हमारा पाताल लोक के लोगों से सामना होगा। ब्रिजपोर्ट, कनेटिकट, 1953। देश के माने हुए यूएफओ इन्वेस्टिगेटर एल्बर्ट के बेंडर का सामना अचानक एक ऐसी चीज से हुआ जिसकी वजह से उनकी रिसर्च कुछ समय के लिए रुक ही गई। एल्बर्ट बेंडर ने इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो की शुरुआत की थी, क्योंकि 1952 के दौरान वाशिंगटन डीसी के साथ उन्होंने दुनिया के दूसरे हिस्सों में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं लगातार हो रही थी और अपने पहले ही साल में ये संस्था काफी फेमस हो गई। लेकिन फिर अगले ही साल उन्होंने अचानक इस संस्था को बंद कर दिया और लोग दंग रह गए। असल में हुआ यह था कि एक रात वो अपने बेडरूम में थे कि तभी सामने की दीवार पर उन्हें तीन परछाइयां दिखीं जो धीरे धीरे शरीर में तब्दील हो रही थी। उन्होंने टोपी और ओवरकोट पहना हुआ था, उनकी आंखें चमक रही थी और उनसे सल्फर की गंध आ रही थी। बेंडर ने बताया कि उन तीन लोगों ने टेलीपैथी के द्वारा उनसे बात की थी और उन्हें अपनी यूएफओ रिसर्च और स्पेस रिव्यू नाम की अपनी मैगजीन को रोकने के लिए वार्निंग दी। इस हादसे के बाद वो बीमार हो गए और तीन दिन कुछ नहीं खाया। बेंडर ने बताया था कि इसके बाद भी वो लोग उन्हें सताते रहे, उन्हें परेशान करते रहे और आखिरकार उन्होंने अपनी रिसर्च को रोक दिया और अपनी वो मैगजीन भी बंद कर दी जिसमें वो दुनिया भर की यूएफओ देखे जाने वाली बातों पर विस्तार से लिखते थे। उन्होंने अपने साथ काम करने वाले और उनके पाठकों को बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि वो इस दुनिया में बड़ी दूर से आए हैं और वो हमारी दुनिया में आते जाते रहेंगे, इसीलिए वो मुझे उनका रहस्य खोदने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने पहले भी कई इंसानों को हमेशा के लिए चुप किया है ताकि वो अपने कामों को आसानी से यूं ही करते रहें। ये हमारी यूएफोलॉजी कमेटी के लिए काफी महत्वपूर्ण घटना रही कि कथित रूप से परग्रहियों ने किसी इंसान को धमका कर उसे उसका काम रोकने के लिए कहा, जिससे हम कुछ साल पीछे चले गए। बेंडर ने परग्रहियों का जो हुलिया बताया था उसे आजकल हैट मैन के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग मैन इन ब्लैक भी कहते हैं। हालांकि आज के पॉप कल्चर में उन्हें गवर्नमेंट एजेंट्स की तरह दिखाया जाता है, लेकिन कई लोग जो उनसे टकराए हैं उन्होंने बताया कि वो लोग इंसान तो हो ही नहीं सकते। मैन इन ब्लैक काफी रहस्यमयी और अजीब होते हैं। वो काली परछाई या काले कपड़ों में लिपटे होते हैं। कई लोग कहते हैं कि या तो वे ही परग्रही हैं या वो परग्रहियों की मदद करते हैं ताकि इंसान कभी उनका सच पता ना लगा पाए। वो यूएफओ विटनेस से बात करते हैं
कई लोग कहते हैं उनको सामान्य सी चीजों के बारे में भी मालूम नहीं होता, जैसे किसी पिन को कैसे यूज करना है या किसी चीज को खाना और या पीना कैसे है। हैटमैन और मैन इन ब्लैक दोनों को काली टोपी से पहचाना जाता है। वे दोनों लोगों के दिमाग पर काबू करते हैं, अजीब दिखते हैं और इंसानों का रूप भी ले सकते हैं। एक थ्योरी ये भी कहती है कि हैटमैन और मैन इन ब्लैक दोनों ही पृथ्वी पर परग्रहियों के स्पेशल कामों को अंजाम देते हैं। शायद वे ही परग्रहियों को ऐसे इंसानों का पता देते हैं जिन्हें वे डराकर यूएफओ रिसर्च से दूर रख सकें। इस बात में कोई शक नहीं है कि हैटमैन, मैन इन ब्लैक और दूसरे परग्रहियों की बातों को आपस में जोड़ा गया है और ऐसा हो सकता है कि वो एक ही हो। लेकिन मेरा मानना है कि जांच की दिशा असल में लोगों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो उनकी समझ से परे है, वो असल में समझ में ना आने वाली चीज़ है। कोई नहीं जानता कि क्या होगा। इंग्लैंड की सफ़क काउंटी के रैंडलशिप कस्बे में एक बीहड़ है जो इतिहास के सबसे अजीबोगरीब यूएफओ एनकाउंटर्स की वजह से फेमस हुआ था, और कुछ लोग जो उसके चश्मदीद रहे उनका मानना था कि इसमें टाइम ट्रेवल भी इन्वॉल्व था। यह घटना 26 दिसंबर 1980 की है, जब एयरमैन जॉन बरोज यूएस एयरबेस में एक रूटीन सिक्योरिटी चेक कर रहे थे, जब उन्हें एक अनजान टूटे हुए एयरक्राफ्ट की जांच के आदेश मिले। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कॉल किया और जांच पर जाने को कहा। मैं ईस्ट गेट की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने मॉनिटर पर जंगल में अजीब सी कुछ रोशनियां देखी और मुझे बताया। मैंने भी वहां कुछ अजीब दिखाए और मदद के लिए यूनिट बुलाई। सर्जेंट पेनिस्टन कुछ देर में वहां आ गए और उन्होंने भी वही चीज़ें देखी जो हम देख रहे थे। वो आगे बढ़े और उन्होंने उस चीज़ की जाँच शुरू कर दी। मैं वहां पर रंग बिरंगी रोशनियां साफ देख पा रहा था। मैं इसे समझा तो नहीं पाऊंगा, मगर हम सब अपने अंदर बिजली जैसा कुछ महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, वो और बुरी तरह हमें रोक रही थी। उस पूरे माहौल में अजीब सी ऊर्जा थी और हम सबको कुछ स्लो मोशन में धुंधला सा दिख रहा था। जैसे जैसे ये अफसर उन अजीब रोशनियों की तरफ बढ़ रहे थे, सार्जेंट पेनिस्टन ने कुछ दूरी पर ही एक बड़ी सी स्पेसशिप देखी। वो ब्लैक शिप 6 से 7 फीट ऊंची ट्रायंगुलर शेप की थी। हम शिप के दूसरी तरफ आ गए और हमें वहां कुछ मार्क्स और दस्तावेज दिखे। मुझे वो पहले यूएस मिलिट्री के ही शिप जैसा लगा। मैंने उन्हें छुआ, वो लोगो यूएस सेना का नहीं था। मुझे आज भी याद है वो कुछ कैसा था, जैसे कोई तस्वीर लेकर खड़ा हो। 10110 कुछ, वो कुछ ऐसे थे। मैंने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। जब पेनिस्टन ने शिप को छुआ तो उन्हें लगा जैसे उनके अंदर किसी ने जानकारियां फूंक दी हो और इसीलिए उन्होंने वो सारे बाइनरी रिकॉर्ड्स बनाए। सालों बाद एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने उस कोड का ट्रांसलेशन किया और उसके सामने एक संदेश आया जिसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूस फॉर प्लैनेटरी एडवांस आईज फॉर योर आई ओरिजिन ईयर 8100 लिखा था। जब आप ओरिजिन ईयर 8100 की तरफ देखते हैं तो एक संदेह आता है कि क्या हमारा मुकाबला सिर्फ परग्रहियों से है या इस जंग में टाइम ट्रेवलर्स भी शामिल हैं। इस घटना के बाद यूएस सेना ने इसकी जांच की, लेकिन उन्होंने इसके चश्मदीदों को मीडिया से दूर ही रखा। मगर एयरमैन बरो और ऑफिसर पेनिस्टन इसे कैसे भूल सकते थे। उन दोनों पर इस घटना का काफी बुरा शारीरिक और मानसिक असर हुआ।
उस घटना के बाद से मुझे आंख और गले की तकलीफें शुरू हो गईं। मेरे मसूड़े सूज गए थे और जब मैं डॉक्टर्स के पास गया तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे कभी रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है। मुझे उस घटना के बुरे सपने आते रहे। आज भी मैं जो हुआ और जो हो सकता है उसके बारे में सोचकर घबरा जाता हूँ। मैंने 1993 में नौकरी छोड़ दी और 3 महीनों बाद मुझे अजीब से सपने शुरू हो गए। उन सपनों में मैंने देखा था कि 40-50 हज़ार साल आगे से आए टाइम ट्रेवलर्स थे और वो चीज़ों को ठीक करने के लिए वक्त में पीछे आए थे। कुछ तो पूरा हुआ था जिसे वो ठीक करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें वक्त में पीछे आना पड़ा था। मेरे लिहाज से वो परग्रही नहीं बल्कि हमारे ही भविष्य से आए लोग हैं। वो सारे बिल्कुल हम जैसे ही लगते थे, बिल्कुल हमारे जैसे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो शिप जेम्स बरो और पेनिस्टन ने देखी वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं बल्कि किसी दूसरे पक्ष से आई हो? सेंट्रल न्यू मेक्सिको, 19 अक्टूबर 2019। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिंडा मोल्टन हाउ ने एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट जॉर्जियो सुकुलोस को रोजवेल रेगिस्तान की एक ट्रिप के लिए बुलाया। इस जगह को एक स्किप साइट भी कहा जाता है। चश्मदीदों की माने तो 1947 में देखे गए 3 यूएफओज में से एक इस जगह के पास क्रैश हुआ था, लेकिन वो फिर से आसमान में चला गया जैसे कोई पत्थर उछला हो और फिर वो जमीन से टकराकर रुक गया। लिंडा को यहाँ फ्रैंक किम्बलर ने बुलाया है। वो उन्हें इस जगह से बरामद हुए मेटल के कुछ टुकड़े दिखाना चाहते हैं और वो और चीजों की भी खोज करना चाहते हैं। लिंडा, मैं आज काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं सालों बाद यहाँ आ रहा हूँ और मुझे फ्रैंक से मिलने की भी काफी उत्सुकता है। और आज हमारे साथ एक जियोलॉजिस्ट भी मदद के लिए होगा। जियोलॉजिस्ट जमीन देख कर आसानी से बता देते हैं कि वहाँ क्या हुआ होगा। और मैं जहाँ तक जानती हूँ उसने सुमेरियंस पर भी अच्छी खासी रिसर्च की है। राइट। जॉर्जियो और लिंडा स्किप साइट पर जियोलॉजिस्ट फ्रैंक किम्बलर से मिलने पहुँच गए हैं। हेलो, आप लोग कैसे हैं? हेलो जी, आपसे भी। लिंडा, हम आखिरकार मिली गए। हाँ, हम सालों से मिलने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, काफी वक्त हो गया। प्रोफेसर किम्बलर ने लगभग एक दशक तक रोजवेल में क्रैश हुए उस शिप की स्टडी की है। उन्होंने इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी और मेटल डिटेक्टर्स की हेल्प से उसकी दिशा का पता लगाया। जब कोई चीज क्रैश होती है टुकड़े आसपास बिखर जाते हैं। नॉब्स, कंट्रोल डिवाइसेस, वायर्स, प्लास्टिक जैसी चीजें टूट ही जाती है और वहीं कहीं रह जाती है। और मैं ऐसी ही चीजों को खोजता हूँ और अब तक खोज भी चुका हूँ। 2011 से ही प्रोफेसर किम्बलर ने दर्जनों मेटल सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और उन्हें वो सब काफी यूनिक लगे हैं। अब हम भी उस जगह जाना चाहते हैं जहां से आप ये सब लाए। अरे यही तो जादू है, यही वो मेटल के टुकड़े हैं जो मैंने यहाँ ढूंढे हैं मेटल डिटेक्टर की मदद से। इंटरेस्टिंग। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये सब टूट फूट गई है जैसे कि सिर्फ एक तेज क्रैश से ही हो सकता है। ये इस तरह टूट फूट गई है। जब प्रोफेसर किम्बलर ने अपना सूटकेस खोला तो जो सबसे पहली चीज मैंने देखी वो थे मेटल के काफी छोटे टुकड़े, शायद जो किसी क्रैश से ही बने होंगे। ये टुकड़े इतने छोटे हैं कि अधिकारियों की नजर इन पर नहीं गई होगी। हाँ जी बिल्कुल। और ये मैं लाई हूँ, ये एक स्नो फ्यू है। इतने सालों के बाद भी इन्होंने अपनी चमक नहीं खोई है। इनके किनारों पर मैग्नीशियम और जिंक हैं।
काफी अच्छे हैं। मैं वादा करती हूँ कि आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। एक साइंटिस्ट और एक जियोलॉजिस्ट होने के बाद भी मैंने ऐसा कुछ पहले कभी कभी भी नहीं देखा। मैं ये देखकर सच में हैरान हूँ। लिंडा ने मुझे जो टुकड़ा दिखाया है वो काफी अमेजिंग है। मैंने पहले कभी वैसा कुछ नहीं देखा। और उसके बारे में खास बात यह है कि उसमें कुछ लेयर्स और बैंडिंग्स हैं, और ठीक ऐसी ही बैंडिंग्स मुझे मेरे द्वारा यहाँ ढूंढे गए टुकड़ों में मिली हैं। मेरे ख्याल से जॉर्जियो ने अभी जो टुकड़ा पकड़ा है वो किसी और ही दुनिया में बना हुआ है, जिसके बारे में हम ना कुछ जानते हैं और ना हम समझ पा रहे हैं। ये सच में एक दूसरी दुनिया की चीज है। क्या जॉर्जियो के हाथ में जो चीज है वो किसी दूसरी दुनिया के शिप का टुकड़ा है? और अगर वैसा है तो क्या रॉजवेल के इस रेगिस्तान में ऐसी और भी चीजें दफन होंगी? मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए था कि आप लोग खुद उस जगह का अनुभव कर पाए, क्योंकि कमाल का है। जी बिल्कुल। आपके हिसाब से बेस्ट जगह कौन सी है? हम बिल्कुल परफेक्ट जगह पर हैं। हम इस सारी जगह की जांच करेंगे। इस बंजर रेगिस्तान में जांच करना काफी चुनौती भरा होगा, लेकिन अपनी दशक भर की मेहनत की वजह से प्रोफेसर किम्बलर ने कुछ हॉटस्पॉट्स खोज लिए हैं। आज उन्होंने जो चीजें दिखाई वो उन्हें इसी जगह से कुछ महीने पहले मिली थी। हम इन जगहों पर स्टिक को आगे पीछे करेंगे। हम इस तरफ जाएंगे, साइड टू साइड, आगे और पीछे, थोड़ा थोड़ा करके। मैं हर रोज यहाँ 7-8 घंटे यही करता रहता था, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमें बीप बजते ही रुक जाना है। हमें इस दिशा में बढ़ना है। उस शिप में कोई तकनीकी खराबी आई होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। प्रोफेसर इस एरिया के लगभग हर हिस्से की जांच कर रहे हैं। 2 घंटे बीत जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला है। जॉर्जियो, मेरा हाथ अब दर्द कर रहा है और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कुछ मिल ही जाएगा। जी बिल्कुल। अब तुमने मुझे देखा ना ये करते हुए, तुम इसे घुमाते रहो और हम साथ साथ चलेंगे। शायद तुम कोई करिश्मा करो। मुझे लगता है कि हमें यहाँ रुककर जांच करनी चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ वो घटना हुई थी। यहाँ काफी टूटे फूटे पत्थर हैं, इसलिए शायद हमें यहाँ कुछ मिल सकता है। ओ। मेटल डिटेक्टर हाथ में लेने के कुछ ही वक्त बाद जॉर्जियो को कोई चीज मिलती है। देखो वहाँ कुछ है। ओ माय गॉड, वहाँ जरूर कुछ है। हमें इसकी खुदाई करनी पड़ेगी। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जी, शायद यहाँ। देखिए वो यहीं कहीं पर है। हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम ठीक उसके ऊपर हो? हाँ, यहाँ पे। देखो क्या वो वहाँ है? नहीं, क्योंकि अब वो मेरी मुट्ठी में है और असल काम अब शुरू होता है। बस एक वायर का टुकड़ा है। बस एक वायर का छोटा सा टुकड़ा। हम इसे रखेंगे और इसे ले जाकर जांच करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ छुपा हो। चलिए हम पता लगाएंगे। हम इसे ले जाकर टेस्ट करना होगा। जॉर्जियो ने अब मेटल डिटेक्टर लिंडा को दे दिया है और अब वो आगे चल रही है, जहां से जॉर्जियो को वायर का टुकड़ा मिला था उससे महज कुछ फीट दूर उन्हें एक बार और बीप सुनने मिली। आप अपना ब्रेसलेट उतार दीजिए, चलिए खोजते हैं। ये भी एक वायर का टुकड़ा ही है, लेकिन ये काफी अलग दिख रहा है। ये यू मुड़ा हुआ क्यों है? मुझे नहीं मालूम। अगर यहां कोई चीज होगी तो इसी जगह होगी। यहाँ पर आपको चीजें आपके सौभाग्य से ही मिलेंगी। जॉर्जियो और लिंडा के हिसाब से वहां मिली हर चीज जांच के योग्य है। क्या ये संभव है कि वायर के ये टुकड़े 1947 के उस क्रैश के हों, जिसे सेना के अधिकारियों ने तवज्जो नहीं दी? हुआन बिन प्रोविंस, वियतनाम, 1991। लॉन्गर हुकान ने बीहड़ की झाड़ियों से ढक चुकी एक गुफा को खोजा।
उस गुफा के आसपास की चट्टाने इतनी खड़ी थी कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, मगर उन्होंने उसकी जगह का पता लगा लिया और लगभग 2 दशकों बाद अंग्रेजों ने उस गुफा को एक्सप्लोर किया और उन्होंने जो खोजा वो हैरान कर देने वाला था। वो पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड चेंबर था। वो कोई आम गुफा नहीं थी, वो पूरी एक अलग दुनिया थी। उस गुफा के अंदर 40 मंजिलें थीं। उसके अंदर एक पूरा जंगल था, साफ नदियां थी, उसके अंदर पूरा एक इकोसिस्टम था। और ये तो सिर्फ शुरू के स्तर पर था। तो सोचिए कि आखिर वहां पर ना जाने और क्या क्या रहा होगा। इस अद्भुत गुफा को सोंगडुम गुफा के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 30 लाख साल पुरानी बताई जा रही है। ये लगभग 6 मील तक फैली हुई है और जहां जहां से इसकी छतें गिरी हुई हैं, सिर्फ वहीं से रोशनी अंदर आती है। उसकी ही वजह से अंदर पेड़ पौधे और दूसरी चीजें फली फूली है। लेकिन लोकल लोगों की नजरों में सोंगडुम गुफा की विशेषता उसकी अंदर रहने वाले अजीब रहस्यमयी जानवर हैं। लोकल लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां सांपों की आकृति वाले एलियंस को देखा है और उन्हें लगता है कि वो उसी गुफा के अंदर रहते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलियंस का जो हुलिया लोग बताते हैं वो कैबलिस्टिक संस्कृति के विंग्ड सर्पेंट से मिलता जुलता है, जो मान्यता के अनुसार पाताल लोक में जाकर रहने लगे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि सोंगडुम गुफा के वो अजीब जीव पाताल लोक के उन सर्पेंट से मिले हुए हो? सुनने में भले ये अजीब लगे, लेकिन कहा जाता है कि 1970 में वियतनाम युद्ध के दौरान यूएस सेना के जवानों ने वहां की कुछ गुफाओं के अंदर छिपकलियों जैसे इंसानों को देखा था और ऐसे छिपकली रूपी मानवों के बारे में खबरें पूरी दुनिया से आती रही हैं। यहां तक कि दुनिया के दूसरे हिस्से के देश पेरू के कुस्को शहर से भी। पूरे पेरू और खासकर कुस्को में टनल सिस्टम की सैकड़ों कहानियां हैं, जिनका सर्पेंट देवताओं से कुछ ना कुछ लेना देना है और वो उसे अमारू कहते हैं। पेरू की सरकार ने ये खुद ही लोगों को इन टनल के अंदर जाना खतरनाक माना, इसलिए उन्होंने इन टनल्स के दरवाजों को बंद कर दिया। और इस कहानी के इतिहास में काफी सबूत भी हैं। जहां पूरी दुनिया से इंसानी शरीर वाले अजीब जीवों के होने की खबरें आ रही थी, वहीं जोहार में एक और पाताल लोकीय जीव के होने की बात सामने आई। जोहार साहित्य की माने तो वो धरती के अंदर जीवों के होने की बात कहता है, जिनकी काली काली बड़ी आंखें और एक चपटी हुई नाक है। और इस तरह के हुलिये वाले एलियंस को आज हम ईटीज कहते हैं। इस बात के काफी सारे सबूत हैं कि हम जिन परग्रहियों को सिर्फ आसमान से आने वाले समझते हैं, वो शायद पातालोक से आते हों। इन बड़ी काली आंखों वाले परग्रहियों को यूफोलॉजिस्ट और कई लोग जिन्हें कथित तौर पर एलियंस ले गए थे ग्रेस कहते हैं। उनमें से कईयों ने बताया कि उन्हें एक तश्तरी में बिठाकर ले जाया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन उड़न तश्तरियों को देखे जाने की रिपोर्ट हमें आज मिलती है, वो असल में बाहर से नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर से आ रही हो? कई यूफोलॉजिस्ट इस बात की पैरवी करते हुए कहते हैं कि कई यूएफओस को धरती में समाते हुए भी देखे जाने की रिपोर्ट्स मिली हैं और कई बार तो वो सीधे पहाड़ों में गुम हो गए थे। प्रशांत महासागर के बीचों बीच ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व से 2500 मील दूर नाम मडोल नाम का एक प्राचीन शहर है। माइक्रोनेशिया के ईस्टर्न कोस्ट पर कई सारे मैनमेड द्वीप हैं। इस वजह से इसे आठवां अजूबा भी कहा जाता है।
नान मेडोल शहर, प्रोम्पी और माइक्रोनेशिया के आइलैंड पूरी पृथ्वी की सबसे अजीब जगहों में से एक है। 11 स्क्वायर मील बड़ा ये कॉम्प्लेक्स 250 मिलियन टन पत्थर और बसाल्ट कॉलम्स रखता है और ये सब बस एक सबमर्ज्ड कोरल रीफ पर ही तैर रहे हैं। वो 18 फीट लंबे, 4 फीट व्यास वाले और 40 फीट ऊंचे हैं। सवाल ये है कि इन्होंने ऐसी जगह पर ये सब क्यों और कैसे बनाया? हालांकि सालों से इस डरावनी जगह को अब वहां के लोगों ने बंद कर रखा है। नान मेडोल एक गुम हो चुकी सभ्यता है जो किसी बड़ी सिविलाइजेशन का हिस्सा समझी जा सकती है, या हो सकता है कि ये सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हो जो वक्त के साथ मिट गई। चूंकि पत्थरों की सही उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए इन आइलैंड और उनमें बने इन किलों की भी सही डेट का पता नहीं लगाया जा सका है। जब आप वहाँ के लोकल लोगों से पूछेंगे कि इतने सारे पत्थर आखिर आए कहाँ से हैं, तो वो एक साथ कहेंगे आइलैंड के उस पार से, और उन्हें आइलैंड की तरफ उड़ाकर भेजा गया था। कहानियों की माने तो कई सारी उड़न तश्तरियां रोज नीचे आई और उन्होंने बसाल्ट कॉलम्स को उस तरह से जमाया जैसे वो आज हैं। और इसी से मिलती जुलती एक और कहानी पूमा पंकु की भी है। जब मैं ऐसी कहानियां सुनता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही शब्द आता है, मिसअंडरस्टूड टेक्नोलॉजी। पूमा पंकु की तरह की दूसरी जगह है जैसे बॉलबैक और कौरी कौंचा है, और कहानियों के अनुसार ये स्ट्रक्चर्स शुरू से यहाँ पर नहीं थे बल्कि उन्हें वहाँ बसे पुराने शहर के ऊपर बसाया गया। नान मेडोल की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। लोकल लोगों की माने तो वो पूरा स्ट्रक्चर कना मोइसो नाम की एक पुरानी सभ्यता के ऊपर बनाया गया है जो अब समुन्दर में समा चुका है, लेकिन वहां अभी भी वो बसाल्ट कॉलम्स हैं। वो चीजें जिन्हें बसाल्ट कॉलम्स माना जा रहा है, वो नान मेडोल में समंदर के अंदर भी मिली है, और इन दोनों तरह के कॉलम्स की जांच करने वाले लोगों ने उनमें एक अजीब सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति पाई। वहां के हर एक कॉलम के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति है। आप एक कॉम्पस उठाकर उसे चेक कर सकते हैं। आपका कंपस सिर्फ घूमता ही रहेगा। इसके अलावा उस जगह को एक स्पेशल पावर स्पॉट भी माना जाता है। वहां ऊर्जा का अलग तरह से संचालन होता है जिसकी वजह से ही वहां नान मेटोल बनाया गया है। और पहले वहां कैनन म्यूसो नाम का शहर था जो अब डूब चुका है। लोकल लोगों ने नान मेडोल के आसपास कई बार कुछ अजीब सी चमकने वाली चीजों को चक्कर लगाते हुए पाया है। क्या ये सिर्फ के चुंबकत्व के कारण है? अगर ऐसा होता तो सामान्य पत्थर भी वहां पहुंच जाते, लेकिन जो वहां है उन्हें हवा से लाया गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नान मेडोल के बसाल्ट कॉलम में जो ऊर्जा मौजूद है वो सिर्फ उनकी अरेंजमेंट में ही नहीं बल्कि वहां के लोकल्स को वहां बसाने में भी इस्तेमाल हुई है, और इसमें परग्रहियों ने उनकी मदद की है। हो सकता है कि वहां कोई ऐसी पवित्र जगह हो जहां पर वो देवताओं से मिलते हो, और ये जगह कोई आम जगह ना हो बल्कि एक वोर्टेक्स या मैग्नेटिक हॉटस्पॉट हो। हम वोर्टेक्स शब्द को साइंस फिक्शंस और पॉप कल्चर में काफी सुनते हैं, लेकिन असल में वोर्टेक्स एक गणितीय सूत्र है जो घुमावदार मोशन के बारे में बताता है, और वोर्टेक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। आप एक ऐसा वोर्टेक्स बना सकते हैं जो लाइट की स्पीड से सूचनाएं यहां से वहां भेज सकता है, और अगर पृथ्वी में ऐसे वोर्टेक्स मौजूद हैं, शायद लोग भी इसके द्वारा आते जाते रहे होंगे, और इस चीज ने उन जगहों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट को जरूर अफेक्ट किया होगा।
क्या इस आइलैंड की किसी जगह पर वॉर्टेक्स मौजूद है? हमें ऐसी ओरेकल साइट्स, मेगालिथिक टेंपल्स की जांच करनी ही चाहिए। क्या वो दुनिया भर की ऐसी जगहों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं? मुझे ऐसा कहने में जरा भी झिझक नहीं है कि ये सारी जगहें हमारी सोच से भी पुरानी हैं और बहुत वक्त पहले ये परग्रहियों के कम्युनिकेशन वाले स्पॉट्स थे। रॉजवेल की यूएफओ घटना इतिहास की सबसे प्रचलित घटना रही है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी यूएफओ क्रैशेस के किस्से रहे हैं जहां से उन रहस्यमय शिप्स के टुकड़े मिले हैं। 1991 में कुछ जियोलॉजिस्ट जो रूस के यूरो माउंटेन्स में सोने की खोज में थे, उन्होंने कोई अलग ही चीज ढूंढ ली। 30 फीट की गहराई पर उन्हें मेटल कॉइल्स और स्प्रिंग्स मिले। रूसी वैज्ञानिकों को हजारों नैनो पार्टिकल्स मिल रहे थे और वो लगातार उनकी नई नई विधियों से जांच कर रहे थे। उन पार्टिकलों के साइज और शेप काफी अलग अलग थे, जैसे वो किसी मशीन के टुकड़े हों। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि हम आज बनाई जा रही एडवांस मशीन्स में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जब उन्होंने इन टुकड़ों की इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जांच करी तो उन्होंने पाया कि वो टुकड़े टंगस्टन और मॉलिब्डेनम से बनाए गए थे, और ये काफी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जो चीजें हम लोगों को स्किप साइट पर मिली थी वो भी इन्हीं से बनी ही थी। मॉलिब्डेनम वही धातु है जिसे फ्रैंक किम्बलर ने रॉजवेल के बाहर ढूंढा था। इस धातु को नासा अपने स्पेसशिप्स में यूज करता है। ये धातु के छोटे स्पाइरल टुकड़े वॉलफॉर्म और मोलीबेनम से बने हुए हैं। वॉलफॉर्म और मोलीबेनम दोनों के पिघलने के लिए 5,000 और 6,000 फ़ारेनहाइट तापमान की जरूरत होती है। हो सकता है कि नासा या किसी दूसरे स्टार सिस्टम से कोई शिप यहाँ आकर क्रैश की हो और हम ये सोच रहे हो कि ओ ये क्या चीज है, कहाँ से आई। हो सकता है कि एक दिन हम अपना खुद का रॉजवेल बनाए और अपने शिप्स को दूसरे स्टार्स पर भेजें। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरो माउंटेन्स पर कई लोगों ने एलियन एनकाउंटर्स जैसी चीजें देखी हैं, जिसमें उन्होंने चमकदार रोशनी वाला सिगार जैसी शिप आसमान में उड़ता देखा। तो क्या ये जगह रूस की रॉजवेल है? यूरो माउंटेन्स में रह रहे लोग जमीन और आसमान दोनों में दूसरे हिस्सों में रह रहे लोगों से कई अलग घटनाओं को नोटिस करते हैं। यूरो माउंटेन्स का पैरानॉर्मल हिस्ट्री में एक विशेष स्थान है और मैंने इस पर काफ़ी स्टडी की है, क्योंकि हमें हमेशा से काफ़ी सारे यूएफओ एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं। पुराने पहाड़ों पर बौने लोगों की सभ्यता के जमींदोज होने की बहुत सी कहानियां हैं। अगर यूरो माउंटेन्स पर मिले टुकड़े सचमुच किसी एलियन स्पेसशिप के हैं, तो इससे कई और संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि वो जिस गहराई में मिले हैं, हो सकता है कि असल में सालों पहले उन्हें वहां दफनाया गया हो। संभावनाएं हैं कि इन चीजों की उम्र 50,000 साल हो, तो क्या ये जगह भी किसी एलियन शिप का क्रैश स्पॉट है? फिर तो ऐसी क्रैश साइट्स पूरी दुनिया में हो सकती हैं, जिनकी उम्र हजारों साल हो। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यूएफओ क्रैशेस की जगहें मिलने की खबरें आई हैं, जैसे चाइना के पहाड़ों में, ऑस्ट्रेलिया के पाइन गैप में और इंग्लैंड के रडलू मैनर में। क्या पता जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई है
तब से ही यूएफओ क्रैशेज होते जा रहे हो। क्या रॉजवेल की तरह दुनिया के और हिस्सों से भी उन स्पेसशिप्स के टुकड़े मिल पाएंगे? मई 2019 में पूर्व ब्रिटिश डिफेंस ऑफिसर निक पोप ईसेटी रेंज पर तहकीकात के लिए पहुंचे थे। ये यूएफओ और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से डील करने वाली एक संस्था है। निक इस जगह को एलियन घटनाओं के लिए एक हॉटस्पॉट मानते हैं। पिछले 33 सालों में नासा और दुनिया की बड़ी संस्थाओं के वैज्ञानिक यहां एलियन एक्टिविटी की रिसर्च के लिए आते रहे हैं। लेकिन ई सेटी दूसरी संस्थाओं से अलग कैसे है? क्योंकि ये एलियन एक्टिविटी को टेलीस्कोप से नहीं बल्कि लोगों की हेल्प से दर्ज करते हैं। इस जगह पर ऐसे विशेष लोगों को रखा जाता है जो सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी इन चीज़ों को देख सकें और फिर इस सब का वो एक इंटेलिजेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा इस चीज़ से रابطہ हुआ जब मैं यूके सरकार के लिए यूएफओ प्रोग्राम चलाता था। हम यूएफओ शिप्स, एनकाउंटर्स, एबडक्शंस जैसी हर चीज़ की जांच करते थे, मतलब कोई भी मिस्टीरियस चीज़। रिमोट व्यूइंग भले ही के साईफाई जैसी चीज़ लगे लेकिन इसका यूज हैड्रन कलाइडर जैसी चीज़ों में भी हो रहा है। इससे हम दूसरी डायमेंशंस में चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। ई सिटी में पूर्व रिमोट व्यूइंग एक्सपर्ट जॉन ववांको और यूएफओ स्काई वॉचर पीटर स्लैडरी वहां की टीम को लीड करते हैं। आज वो रिमोट व्यूइंग और ह्यूमन ऑब्जर्वेशन को जोड़कर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वॉशिंगटन माउंटेन्स के ऊपर इतने यूएफओ आखिर क्यों देखने मिलते हैं। कृपया आप लोग मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैं एक रिमोट व्यूइंग एक्सपर्ट हूं और 20 सालों से ये काम कर रहा हूं। कई क्लाइंट्स के लिए ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स भी करता हूं और ऐसी घटनाओं की जांच करता हूं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता है। मैं भी एक एक्सपर्ट और कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैं आकाशीय घटनाओं की जांच करता हूं। आज हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास इस तरह एक जगह है, चलिए वहां चलते हैं। ठीक है, चलिए। जहां पीटर और निक साथ में काम कर रहे हैं वहीं जॉन एक दूसरे कमरे में दो रिमोट व्यूअर्स, एक पेंसिल और ड्रॉइंग पैड के साथ बैठ गए हैं। रिमोट व्यूअर को एक रैंडम 8 अंकों वाला नंबर दे दिया जाता है और उसके पीछे एक कारण और जगह होती है जो उन्हें नहीं मालूम होती और फिर वो नंबर्स के हिसाब से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो वो लोग वहाँ असल में करने क्या वाले हैं? वो लोग बहुत कुछ देखने वाले नहीं हैं। उनके पास बस कुछ झलकियाँ होंगी और बॉडी सेंसेशंस होंगे और वो उसी आधार पर काम करेंगे। वो बस ड्रॉ करने वाले हैं। और जब इससे हमें डेटा मिल जाएगा हम उसे कैसे एनालाइज करेंगे? मैं उनसे वो सारा का सारा डेटा ले लूंगा और कल सुबह ही एक मीटिंग में हम सब उसे समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उम्मीद है कि हमें कुछ बेहतर परिणाम मिलेंगे। शाम की मीटिंग के बाद पीटर और निक अपने रास्ते चले गए और आकाशीय घटनाओं को देखने लगे। लगते हैं कि टीम में कुछ नए मेंबर्स भी जुड़े हैं। हमारे साथ यहाँ एडम है, ये सैटेलाइट ट्रैकर और दूसरी मशीन्स को चलाने में हमारी मदद करेगा। ये इस चीज़ में बहुत माहिर है। अक्सर हमें एक साथ एक से ज़्यादा चीज़ें दिख जाती हैं और अगर हम एक चीज़ को देख रहे हों तो ये दूसरी चीज़ को देखता है। तो कुल मिलाकर हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना छूटे। जी बिल्कुल, हम चीजों को मिक्स नहीं करना चाहते। टीम सूरज ढलने के पहले वर्क स्टेशन सेट कर लेती है। वो इंफ्रारेड कैमरे और दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ आकाशीय घटनाओं की जांच करेंगे। वो माउंट एडम्स वॉल्केनो के ऊपर अपनी जांच करेंगे।
जो वॉशिंगटन स्टेट का सबसे बड़ा पहाड़ और यूएफओस के लिए हॉटस्पॉट रहा है। जैसे जैसे रात हो रही है, टीम की आंखें आसमान की ओर जम रही है और वो हर तरह के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो लाइव सैटेलाइट डेटा की मदद से हर तरह के मैन मेड ट्रैफिक पर भी नजर रखे हुए हैं, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी शामिल है या ISS। एडम, हमारी और ISS की टाइमिंग कैसी है? हमारे पास एक मिनट है। किस दिशा में? पश्चिम। सैटेलाइट वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। देखो तो ये कितना चमकदार है। ओह, जरा इसे तो देखो। तुमने देखा? क्या तुम ISS को देख सकते हो? जहां फील्ड टीम आसमान को देख रही है, वहीं रिमोट व्यूअर्स अपने दिमाग से चित्र बनाने में लगे हुए हैं। और ताज्जुब ये है कि जैसे ISS उनकी छत के ऊपर से गुजरा, दोनों महिलाओं ने लगभग सेम ही चित्र बनाया। ये भले ही के यूएफओ नहीं है, लेकिन नजारा शानदार है। हाँ, काफी खूबसूरत है। थोड़े देर तक कुछ और सैटेलाइट्स को निहारने के बाद निक और पीटर को आसमान में एक रहस्यमय चीज दिखती है, जो कहीं से भी सैटेलाइट जैसी नहीं दिख रही थी। नहीं, देखो इसे, क्या ये एक सैटेलाइट है? इसे कैमरे से देखो, साउथ ईस्ट की तरफ से। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने उसे बिल्कुल उस जगह पर अपनी आंखों से देखा था। मैंने उसे कुछ देर तक देखा और फिर वो गायब हो गई। मैंने भी बिल्कुल वही देखा। नहीं, ये वो नहीं था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सैटेलाइट्स और प्लेन्स के बारे में क्या खबर है? नहीं, ये वो भी नहीं था। इसका मतलब वो कुछ तो था। क्या निक पोप और ईसेटी टीम को कोई परग्रही चीज दिखी थी जो अचानक रात के अंधेरे में गायब हो गई? विस्लर, कनाडा, 17 अप्रैल 2019। एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट जॉर्ज सुकुलोस और पूर्व नासा वैज्ञानिक रिचर्ड हूवर एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर कनाडा की सबसे बर्फीली पहाड़ियों में से एक में बनी गुफा में जाने वाले हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? डॉक्टर हूवर ने अपनी आधी जिंदगी एलियन माइक्रोबायोलॉजिकल चीजों की स्टडी में निकाल दी। उनका मानना है कि पृथ्वी पर जीवन आउटर स्पेस कॉमेट से आया था। उन्होंने जॉर्जियो को विस्लर आइस केस की तफ्तीश के साथ के लिए बुलाया है। उन्हें लगता है कि वो वहां बर्फ में दुनिया के सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को खोज निकालेंगे, ऑर्गेनिजम्स जो हजारों साल पुराने हों। हाँ बिल्कुल, अगर एलियन लाइफ फॉर्म्स पृथ्वी पर पहुंच रहे हैं तो हूवर के हिसाब से उनके जीवित रहने के लिए यह कोई तो जगह होगी। आज वो इस ग्लेशियर से कुछ सैंपल्स लेकर अपनी लैब में उसकी जांच करेंगे। रिचर्ड, आज आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए कितने उत्साहित हैं? ओह वाव, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ कि मुझे ये शानदार मौका मिला है। हेलीकॉप्टर से 20 मिनट के सफर के बाद टीम उस जगह पर पहुंच गई है, पेम्पर्टन ग्लेशियर में। वाह, ये सच में कितनी शानदार जगह है। हाँ सच में। यह देखो, इस गुफा में नीले रंग के हजार प्रकार तो होंगे ही, और वहां ऊपर वो देखो, तुम्हें कुछ कालापन भी दिख रहा होगा। इस तरह के ग्लेशियर्स में पहाड़ी पत्थर भी जम जाते हैं, और फिर तुम जैसा कि देख सकते हो कि वो काले हैं क्योंकि उन पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और वो फिर उसके बाद में कुछ
इस तरह का कालापन छोड़ देते हैं। तो यहाँ हर पत्थर पर तुम जैसा कि देख सकते हो अपनी एक अलग दुनिया होगी। यहाँ की बर्फ हजारों साल पुरानी है, लेकिन डॉक्टर हूवर को लगता है कि यहाँ जीवन की काफी संभावनाएं हैं। वाओ, ये शानदार है, और आपने अपनी बातों में हमारे सारे पर्यावरण को सूक्ष्म तरीके से समेट दिया। इस ग्लेशियर और इसके ऊपर प्रकृति का सोना छिपा हुआ है। आज हम इस खूबसूरत नीली बर्फ का सैंपल लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम इस नीली बर्फ का एक सैंपल लेंगे। आप आखिर ढूंढना क्या चाहते हैं? मैं इसे खुरेचकर अंदर की बर्फ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना चाहता हूँ। इनमें किसी तरह का संक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि ये काफ़ी सालों से यहाँ पर है, और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये काफ़ी फ्रेश है। देखो, अब हम कोर को निकालेंगे और हमें इसे काफी संभल कर निकालना होगा। क्या इतना काफी होगा? तो क्या इनमें मौजूद जीव मर चुके होंगे या अब जिंदा होंगे? मेरे ख्याल से दोनों। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी गुफा जीवों और जीवन से भरी हुई है? हाँ, लेकिन सिर्फ ये गुफा नहीं, इनफैक्ट ये पूरा ग्लेशियर, और ऐसे करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं जो इतने ठंडे तापमान में रहना पसंद करते हैं। और मेरे ख्याल से दुनिया में जहाँ कहीं भी बर्फीला क्षेत्र है, इनफैक्ट मैं कहूँगा इस पूरी दुनिया ही नहीं, पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ कहीं भी बर्फ है, वहाँ इस किस्म के जीव जरूर रहते हैं।